नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आपको याद न हो, मात्र ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 15 दिन पहले, कि अगर कोई अनजान आदमी आप विदेश से आ रहे हो और ख़ास तौर से भाई ब्लू कॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि अपने साथ क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, मैंने 15 दिन पहले, उससे पहले कुछ गोल्ड से रिलेटेड कुछ मैटर था, मैंने सब बताया था भाई, जयपुर में पकड़े गए थे। उसके बाद में मैंने आपको ये दोबारा एक वीडियो बनाया कि भाई दूसरे किसी भी अगर अनजान व्यक्ति आपको सामान दें तो आप चेक कर लें या फिर नए लाएं तो बेस्ट होगा। जी हाँ साथियों, लेटेस्ट न्यूज है संडे की। जी हाँ, जयपुर एयरपोर्ट पे 9 यात्रियों को पकड़ा गया एयरपोर्ट पे। जी हाँ, अब पूरा माजरा क्या है डिटेल से देखिएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप विदेश से आ रहे हो, आपको थोड़ा सा लालच दे देते हैं, आपको ये लगता है यार कुछ नहीं है, सामान ही तो है, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं साथियों, संडे की बात है, रियाद सऊदी अरबिया से 9 लोग। जी हां साथियों, अब वो एयरपोर्ट उतरे दिल्ली, उनको वहाँ पे कस्टम अधिकारियों ने चेक कर लिया, तो उनके पास से लगभग 63 लाख रुपए का सोना निकला। जी हाँ साथियों, बता दूं लगभग 350 ग्राम गोल्ड निकला। जी हाँ, लेकिन ये माजरा क्या कैसे रहा मैं बता दूं आपको, कि वो उनको पकड़ा कस्टम विभाग ने सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, और वो देखने से भी भाई उनकी औकात नहीं लग रही थी। ब्लू कॉलर बंदा आदमी, पता यार मजदूरी आदमी 20-25 हज़ार का करने वाला, वो इतना गोल्ड नहीं ला सकता, ये तय बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि कोई वहां मिला था, उन्होंने हमें टिकट दिए कि भाई आपका टिकट मैं देता हूं, मेरे पास पैसे हैं वगैरह वगैरह, जो भी उनको बोला होगा, और बदले में आपके मेरा कुछ सामान है, मेरा फ्रेंड दोस्त रिश्तेदार कोई मिलेंगे उनको दे दीजिए, मैं नहीं जा सकता सऊदी को छोड़ के। तो वो बेचारे उनके बहकाव में आ गए, उनको बदले में टिकट मिल रही थी, तो उनको लालच आ गया कि यार अपने 25 हज़ार की टिकट मिल रही है, हमें क्या नुकसान है। लेकिन वो 9 लोगों को कितने पैसों की टिकट दी, उनको वो सामान दे दिया। इमिग्रेशन वहां पे जो कस्टम अधिकारियां ऑफिसर हैं, उन्होंने उनको कैच कर लिया, तो पूरा माजरा खुल के आया। उन्होंने बताया कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो किसी बंदे ने, हमें अनजान शख्स ने ये सामान दिया, हमें लालच दिया गया कि आपको हम सामान दे रहे हैं, बदले में हम आपका टिकट देंगे दिल्ली तक का, और सामान का लगेज का पैसा भी हम आपको देंगे। तो हमें कोई ऐसा सौदा बुरा नहीं लगा, तो हमने वो सामान उठाया और यहाँ तक ले आए, यहाँ पे हमने चेक किया गया तो उसमें गोल्ड निकला, जबकि वो गोल्ड हमारा नहीं है। अलग ये बात तो सत्य हो ही जाती है, लेकिन भाई देखिए अब उनकी जांच होगी, अब मुकदमा भी लगेगा, मुकदमा तो लग जाएगा, या तो उनका शूट आउट होगा, रियल जो बंदा है वो सामने आएगा, या फिर उनके ऊपर केस लग जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई, बार बार मैं बोलता हूँ, दूसरे अदर पर्सन जिसको आप नहीं जानते हो, सामान लाने से पहले देख ले। और ये इतने गठिया कसम के हरामजादे लोग होते हैं कि इंसान का इंसान से विश्वास उठा देते हैं। जी हाँ, ऐसे धोखे अगर होने लगे तो एक आम आदमी फिर दूसरे आदमी पे विश्वास करना छोड़ देगा, तो फिर ये पार कैसे पड़ेगी। तो ये कुछ लोग हजारों में एक दो ऐसे हैं जो पूरे, वो कहावत है ना, चाहे धर्म हिंदू धर्म में कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी धर्म में देख लो, या फिर पर्सनली देख लो, दोस्ती में देख लो, एक वो बोलते हैं ना कहावत, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब इन नौ लोगों के साथ ये घटना हो गई, जो गलत हुआ इनके साथ में, इनको धोखे से टिकट देके भेजा गया, सामान पकड़ा गया। लेकिन अब जो ये मेरी जानकारी में आप वीडियो देख रहे हो, या अदर से आपको कहीं इसका पता लगेगा दूसरे सोर्स से, तो क्या आप दूसरे लोगों पे विश्वास करोगे, या आपके ऊपर कोई दूसरा बंदा विश्वास करेगा, उसको वो भी आपको शक की नजरों से देखेगा कि यार ये मेरा मोबाइल है, आप मेरा भाई मिलेगा दे देना, पता नहीं इस मोबाइल में भी गोल्ड छुपा हो, तो आप गारंटी के साथ वो सामान नहीं लेके आएंगे। तो कहने का मतलब एक विश्वास उठता जा रहा है धोखेबाजी की वजह से। तो ऐसे गठिया लोग अगर आपके सामने हो तो भैया उनके उनकी उनके खिलाफ आप कुछ शिकायत करें, आपको हो सके वहाँ तक, ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके। बस साथ यही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, विदेश जाने वाले सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।